नमस्कार, आप सभी लोगों का फसल सलाह के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी के लिए लेके आया हूँ मौसम की बात फसल सलाह का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विगत 24 घंटे में मौसम किस तरीके से रहा है तथा आने वाला 24 घंटा मौसम किस तरीके से रहने वाला है तथा उस मौसम का असर किस तरीके से फसलों पर पड़ने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फसल सलाह हमारे ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। फसल सलाह ऐप की अगर हम बात करें, फसल सलाह ऐप में बेसिकली आप जानकारी ले सकते हैं मंडी भाव की तथा आप अगर कोई भी फसल आप अपने खेत में लगाए हुए हैं या फसल संबंधित कोई भी जानकारी है, मान लीजिए कि अगर आपके फसल में किसी तरीके का कीट लग जाए, किसी तरीके का रोग आ जाए, तो आप हमारे फसल सलाह के माध्यम से हमारे कृषि एक्सपर्ट से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके गृह जनपद तथा जो गृह गांव है आप उसके 10 दिनों की मौसम की जानकारी भी आप हमारे फसल सलाह के माध्यम से ले सकते हैं तथा जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी उनका उनके बारे में भी आप अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे फसल सलाह ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो हमारी गुजारिश होगी जितने भी किसान भाई लोग हैं, व्यापार बंधु हैं, उन सभी से अनुरोध होगी कि आप फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें और इसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करें। तो चलिए बात करते हैं आज के मौसम की। तो मौसम हर पर बदल रहा है। ज्यादातर राज्यों में गर्मी जो है वो धीरे धीरे अपने पैर को पसारने लगी है, लेकिन अभी भी पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। अगर हम किसानों की बात करें तो रबी फसलों की कुछ कुछ फसलों की कटाई जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे जो मौसम के एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार राजधानी दिल्ली और हरियाणा में गर्मी का असर बढ़ने लगा है, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश होने की थोड़ी सी संभावनाएं हमें जताई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जो भी किसान अपनी फसल की कटाई कर रहे हैं वो समय रहते इसका प्रबंध कर लें और ताकि फसल को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो पाए। अब बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश का मौसम किस तरीके से रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले 24 घंटे में मौसम किस तरीके से रहा है, तो पिछले 24 घंटे के दौरान, कल भी हमने आपको बताया था और आज भी बता रहे हैं कि तमिलनाडु के तटीय जो इलाका है वहां से हल्की से मध्यम बारिश हुई है वहां पर। साथ ही साथ जो केरला का जो तटीय इलाका है, जो दक्षिण केरला का जो तटीय इलाका है वहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। साथ ही साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी जो दक्षिणीय तट है वहां पर भी हल्की बारिश हुई है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमें देखने को मिल रही है, तो उस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन है वहां पर भी कल जो है वो हल्की फुल्की बरसात हुई है। अब बात करते हैं कि आने वाला 24 जो घंटा है, आने वाला जो 24 आवर्स है वो किस तरीके से मौसम रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो आने वाले जो 24 घंटे के दौरान जो है वो मुजफ्फराबाद के रीजन्स में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश तथा हल्का बर्फबारी हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास के रीजन्स में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है। उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही लद्दाख में भी और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी आज भी बारिश होने की हमें संभावना है और आने वाले 24 घंटे में भी बारिश होने की संभावना हमें दिख रही है। अगर मैं बात करूं और राज्यों की, तो मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य जो महाराष्ट्र का जो इलाका है वहां पर आसपास के हिस्से में तथा तमिलनाडु, केरला और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी छिटपुट बरसात हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात रही अब मौसम की। अब बात करते हैं कि ये जो मौसम, जो आज का मौसम रहने वाला है, कल का जो मौसम रहने वाला है, इसका प्रभाव किस तरीके से फसलों पर पड़ने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ राज्यों की जानकारी दूंगा। अगर आपको और राज्यों की जानकारी या आप अपने गृह राज्य अपने राज्य की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें और उस पर आपको विस्तृत जानकारी आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। ये रही अब इस अगर आप इस नक्शे पर आप देख रहे हैं तो ये जो दो नक्शा आप देख रहे हैं, तो ये जो एक जो हमारा हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नक्शा है ये आपको बेसिकली बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में कहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो उत्तराखंड का जो रीजन है वहां पर जो है वो येलो अलर्ट रखा गया है। इसका मतलब है कि इस इलाके में, उत्तराखंड में, आज जो है वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की छिटपुट बरसात देखने को हमें मिल सकती है।
साथ ही साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो कुछ रीजन्स है, जैसे इंदौर हो गया, देवास हो गया, यहाँ पर जो रीजन्स है यहाँ पर भी हमें येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर भी आज छिटपुट बरसात हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु का जो इलाका है, जो तमिलनाडु का दक्षिणी तटीय इलाका है, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया, वहां पर भी आज जो है वो येलो अलर्ट जो है वहां पर ये दिख रहा है। यहाँ पर भी बारिश होने की हमें संभावनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कि इन मौसमों का किस तरीके से फसलों पर पड़ने वाला है। तो बात करते हैं हमारे राजस्थान भाइयों के लिए, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए हमारी सलाह क्या है। राजस्थान में अभी जो है वो अगर जिन किसान भाइयों ने गेहूं की क्रॉप लगाई होगी तो यहाँ पर जो है आप इरिगेशन जो है आप खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जिन किसान भाइयों जो लहसुन की खेती कर रहे हैं, अब उनमें जो है वो बेसिकली जो है वो डाउनी मल्ड्यू जो है उसकी होने की संभावनाएं हमें जताने हमें दिख रही हैं यहाँ से। तो अगर जिन किसान भाइयों के खेतों पर डाउनी माइल्ड्यू लगा है, वो मैंकोजेब का सही तरीके मैंकोजेब का छिड़काव कर आप अपने फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तीसरी जानकारी, अगर मैं बात करूं तो जो राजस्थान का जो इलाका है वहां पर जो चिक्पी जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। चिक्पी का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो राजस्थान में होता है। तो जो भी चिक्पी जिनकी भी जिन्होंने लगाया है किसान भाइयों ने, जो अगर उनकी क्रॉप जो मैच्योर्ड हो चुकी है तो उनकी हमारी ये सलाह है कि वो अपने उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लें और सही जगह एक सेफ प्लेस पर आप उसको रखें ताकि किसी तरीके का नुकसान ना हो। अब बात करते हैं हमारे महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए हमारी क्या सलाह है। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए मैं जैसे आपको आपको बताया कि जो आज जो है वो लाइट इरिगेशन हमें देखने को मिल रही है, लाइट जो रेनफॉल जो है सॉरी बरसात हमें छिटपुट बरसात हमें देखने को महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में मिल रही है। तो हमारी सलाह ये है कि जो भी अगर आप काउपी अगर आपने लगाया है, यानी कि जो लोबिया की अगर आपने खेती की है, तो आप उसको हार्वेस्ट कर सही जगह आप उसको रख लें ताकि आपको बरसात से नुकसान जो हो वो कम हो। साथ ही साथ अगर जिन किसान भाइयों ने टमाटर की खेती की है तो टमाटर की खेती के लिए ये जो मौसम है ये अर्ली ब्लाइट के लिए फेवरेबल मौसम हमें देखने को मिल रहा है। तो जिन जिन किसान भाइयों के खेतों में अगर अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स दिखे तो वो जो है आप साइपरमेथ्रिन जो है वो 10 ml 10 लीटर पानी में आप पिलाकर जब भी मौसम साफ रहे तब आप अपने खेतों में दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको सभी किसान भाई जो जो वाटरमेलन की खेती करते हैं तो उनके लिए ये जो मौसम है वो लीफ माइनर जो पेस्ट होता है ये उनके लिए फेवरेबल जो कंडीशन है। तो हमारी कृषि एक्सपर्ट फसल सलाह के कृषि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कोई भी अगर लीफ माइनर का अटैक अगर आपके खेत में होता है तो आप प्रोफेंस @20 ml 10 लीटर पानी में जब भी मौसम साफ हो तो आप अपने खेतों में आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए हमारी ये सलाह है कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आर्द्रता बढ़ रही है, मौसम जो है आसमानों में बादल छाए हुए हैं, तापमान भी रात में थोड़ी सी तापमान में गिरावट आ रही है। तो ये जो गिरावट है ये आलू की खेती के लिए झुलसा रोग के लिए बहुत ही सही चीज है। तो अगर आपको झुलसा रोग के बारे में जानना है तो हमारे फसल सलाह के YouTube चैनल पर जाएं और झुलसा रोग के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे इस YouTube चैनल पर दी गई है। तो आप उस वीडियो को देखें और आप अपने खेतों में झुलसा रोग अगर लगता है तो उस फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए। जो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए हमारी ये सलाह है कि वीट जो है आज अगर जिन किसान भाइयों ने गेहूं की खेती की होगी तो उनमें जो बेसिकली अगर आपको अगर लूज स्मट्स दिख रहा होगा, लूज स्मट जो क्या होता है कि जो बालियां होती हैं वो काली काली होने स्टार्ट कर जाती हैं। तो अगर आपको जो भी लूज स्मट के अगर एक दो सिम्टम्स अगर आपके एक दो फसलों में दिख रहे होंगे तो हमारी सलाह ये है कि आप उनको तोड़कर एक ऐसे स्थान पर रख दें, एक ऐसे स्थान पर उसको दबा के रख दें जिससे कि वो फैले ना, क्योंकि जो लूज स्मट की बीमारी होती है ये हवाओं से फैलती है। तो जिन जिन फसलों में भी ये चीज अगर आपको दिखती है, जिन फसलों में भी लूज स्मट की आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उनके ईयर हेड को तोड़ें और ऐसे जगह रखें जहां से हवाएं से वो फैले ना। दूसरी जानकारी अगर आपको मैं बताऊं तो जो पॉड बोरर जो है बेसिकली जो है इलाका जो है वहां पर मध्य प्रदेश में जो ग्राम्स जो होते हैं ग्राम की जो खेती की जाती है तो उनमें पॉड बोरर का अटैक्स होने की संभावना हमें देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों की हमारी ये सलाह होगी कि आप अपने खेतों की सही तरीके से निगरानी करें और अगर पॉड बोरर का अगर कोई अटैक होता है तो हमारे जो कृषि एक्सपर्ट का मानना है वो
इंडो एक्सिक क्रैप 10.5 जो परसेंट जो एसी का कंसंट्रेशन होता है उसमें 12 ml जो है पर 100 लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर आप उसको इनिशियल जब स्टेज अगर आपको खेतों में दिखता है लक्षण तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव जिस दिन मौसम साफ रहे उसी दिन आप करें। अब बात करते हैं हरियाणा के किसान भाइयों के लिए हमारी क्या सलाह है। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए हमारी ये सलाह है कि आप जो मस्टर्ड की जो खेती अगर जिन किसान भाइयों ने सरसों की खेती की होगी तो जो एफिड्स का अटैक होने की अभी हमें संभावनाएं देखने को मिल रही है जिस तरीके से मौसम रह रहा है, तो जिन किसान भाइयों की हमारी ये सलाह होगी कि आप अपने फील्ड की सही तरीके से निगरानी करें और एफिड्स अगर आपके खेत में लगता है तो उसकी जो सही तरीके से आप उसका प्रबंध करें। और अगर लगता है तो आप हमें फोटोज लेकर भेज सकते हैं हमारे फसल सलाह ऐप के माध्यम से, आपको हमारे जो कृषि एक्सपर्ट है वो उसकी आपको सही जानकारी दे पाएंगे। बाकी मस्टर्ड एफिड्स पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसपे कि आपको हम जानकारी देंगे कि एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं। बात करते हैं अब जो दूसरी सलाह की, तो दूसरी सलाह ये है कि जो हरियाणा के किसान भाइयों के लिए जो जिन्होंने गेहूं की खेती की होगी तो उनके लिए सलाह है कि गेहूं में अभी पीलापन जो देखने को काफ़ी मिल रहा है। हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल फसल सलाह के YouTube चैनल पर गेहूं के पीलापन के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। तो अगर जिन हरियाणा के किसान भाइयों के खेतों में अगर गेहूं में पीलापन देखने को मिल रहा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी उनके हमारी ये सलाह है कि अगर आपके गेहूं में पीलापन देखने को मिल रहा है तो आप नेटिव गो @20 ग्राम पर जो है आप इसका खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी मौसम की बात फसल सलाह के साथ के कार्यक्रम में। तब तक के लिए जिन किसान भाइयों ने अब तक हमारे फसल सलाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी गुजारिश होगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन किसान भाइयों ने अब तक फसल सलाह ऐप को डाउनलोड नहीं किया है आप प्ले स्टोर पर जाएं और फसल सलाह हमारे ऐप को डाउनलोड करें। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।